नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूं। अगर आप यूपीवीसी विंडो और डोर का फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो और डोर का मशीन देते हैं, उसके साथ साथ आपको उसे चलाने का और यूपीवीसी विंडो और डोर बनाने का फुल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ आपको पूरे भारत का रॉ मटेरियल सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट भी आपको दे देते हैं, ताकि आपको आपका फैक्ट्री शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बात मार्केट में बहुत चलता है कि यूपीवीसी प्रोफाइल्स हमारे इंडियन ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे जगहों पे हाई टेम्परेचर्स रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूपीवीसी विंडो और डोर का जो प्रोफाइल होता है वो हाई टेम्परेचर्स, मतलब इंडियन हाई टेम्परेचर वाले क्लाइमेट की जगह में गल जाते हैं। और बहुत सारे जगहों पे लोग ये भी कहते हैं कि प्रोफाइल गर्मी के कारण से बेंड हो जाता है। तो चलिए आज इसी विषय को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो हमें इस बात का क्लैरिटी होना चाहिए कि यूपीवीसी प्रोफाइल्स जिससे हम विंडो और डोर बनाते हैं, ये कोई मोम का बना हुआ चीज़ नहीं है। ये एक एक्सटीरियर ग्रेड का हाई एंड पॉलीमर मटेरियल होता है, जिसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप इसे एक्सटीरियर पे, मतलब बाहर इसे यूज़ कर सके। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल बात पे। मैं पहले आपको बता दूं कि यूपीवीसी प्रोफाइल्स का या फिर यूपीवीसी मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद कीजिए कि जब आपको लास्ट टाइम बुखार हुआ था तब शायद आपका टेम्परेचर 100 से लेके 104 डिग्री के बीच में था, और आपको बहुत बेचैनी हो रही थी, आपका तबीयत बहुत खराब हो रहा था, क्योंकि आप उस टेम्परेचर को अपने शरीर में सहन नहीं कर पा रहे थे। तो आप खुद सोच के देखिए, जिस दिन धरती पे 250 डिग्री हो गया उस दिन क्या इंसान जिंदा रहेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, तंदूरी चिकन 250 डिग्री में पकता है। तो जब 250 डिग्री टेम्परेचर धरती पे हो जाएगा तब शायद आपके यूपीवीसी विंडो के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगे जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई बात कोई आपसे कहे या फिर बाहर आप कोई भी बात सुने, तो उसको लेके एक बार खुद लॉजिकली सोच के देखिएगा कि जो बात वो भाई साहब कह रहे हैं क्या वो संभव हो भी सकता है क्या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक और इतना ही एजुकेशनल और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।